मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मुलख प्रभु जी जग सुखकारी। 32 ब्राह्मण युवक हरि राम अर्थात हरिहरानंद को अपनाना। एक युवक था झुंड पर टूटा, जिमे गरुड़ हो नाग पै छूटा। भगदड़ मचती देखी भारी, बीच में बैठी पाई नारी। रोक श्वास निहारे सारे, क्या देखें इमिनाथ पुकारे। कैसा दुष्ट कोई यह मानव, स्त्री घेरे जैसे हो दानव। रोती अबला दया न आवे, पीटे उसे जो इसे बचावे। इसका अपराध अति है घोर, हमसे देखा जाए न और। इमी फरमा प्रभु देखन लागे, द्वंद्व दृश्य में भय अनुरागे। लठ द्वंद्व था बहुत विषमतर, द्वंद्व नहीं यह युद्ध भयंकर। नारी को छुड़ान हित, झुंड उमड़ कर आए। प्रास्त पुनः वह होकर अस्त व्यस्त हो जाए। एक पै टूटे बीसों योद्धा, पिट कर फिर वह लौटे औंधा। सिर फटे और टांगें टूटे, मुख से लहू की धारें छूटे। युवक अडिक डटा था ऐसे, खर से ना मैं राम हो जैसे। उसकी लाठी का प्रहारा, प्रकटे विद्युत का चमकारा। वज्रपात का था आघात, कैसे उठे हो जिस पर पात। पैंतरे युवा भरे निराले, घूम घूम कर चोटें घाले। सीधी उल्टी लाठी मारे, एक प्रहार से कई पछारे। लताकार वह घूम दिखाए, आगे पीछे भी मुड़ पाए। अद्भुत उसकी शिक्षा, अद्भुत था अभ्यास। अद्भुत उसकी कुशलता, अद्भुत था प्रयास। लाठी से ही अंग बचाए, लाठी से ही मार गिराए। लाठी से ही वह धमकाए, लाठी से ही दूर भगाए। लाठी बनी थी उसकी ढार, लाठी ही उसकी तलवार। लाठी घूमे चक्राकार, लाठी से ही रण की मार। लाठी घूम छलांग लगावे, लाठी मार फुदक कर आवे। लाठी से लाठी टकरावे, लाठी छीनी शत्रु की जावे।
लाठी त्रिशूल समा चलावे, लाठी खड़ग समान घुमावे, लाठी भाला भीवन पावे, लाठी महराठी हो जावे। उसका कौशल देख कर हुए सभी हैरान, गदगद होकर शंसते यह अभिमन्यु समान। ऐसे सबन पछाड़ कर कीने खत्म लड़ाई, अबला को प्रणाम कर दीनी उसे विदाई। ग्राम जनों से प्रभु कह पाए, कौन यह बालक हमें बताए, क्यों थी इसने नारी घेरी, छोड़ी क्यों बिन लाए देरी। कौन घेराव करने वाले, सब पछाड़ जो इसने डाले। कहें ग्रामीण जग के स्वामी, आप सब जाने अंतर्यामी। वह थी जमींदार की नारी, है यह बालक सद आचारी। जमींदार से सब परेशान, नर नारी का करे अपमान। बचना लाज किसी की पावे, ऐसा वही अधर्म कमावे। कोई उसे समझाने जाए, गुंडों से वह उसे पिटाए। सब नर उससे हैं दुखी, सब नारी हैरान। गुंडों की जुट जुंडली सबन करे परेशान। इस गांव में जीवन दूभर, स्त्री बाहर ना निकले दिन भर। वह तो नर नहीं है राक्षस, जैसे प्रकट भया हिरण्याक्षस। उससे करे ना कोई लड़ाई, उसके पुलिस में भी भाई। इस बालक के पिता व माता स्वर्ग सिधारे हैं जगत्राता। यह ननिहाल में वास करे था, पित्री घर को त्याग चला था। देखी इसने ग्राम की पीर, लौट के आया फिर यह वीर। जमींदार से इसने ठानी, स्त्री उसकी खींच के आनी। अनुभव उसे यही करावे, सज्जन कैसे हैं दुख पावे। वीर युवक के कर्म से लोगों में कुछ चैन, गुंडागर्दी शांत है, ग्राम सुखी दिन रैन। सुनकर प्रभु जी उनकी बात, मन में हर्षित थे जगत्रात। दुष्ट दमन है देवी काम, किया कृष्ण और प्रगटे राम। जब यह बालक इस जा आवे, लाना इधर हमें मिल पावे।
संकल्प प्रभु का जब हो पाया, बालक प्रेरित शीघ्र आया। बोले लोग हे सुख के धाम, यह वह बालक है हरि राम। आकर उसने शीश झुकाया, आशीर्वाद प्रभु से पाया। प्रभु जी निज मुख से फरमाए, कौन वर्ण में हो तुम जाए। ब्राह्मण वर्ण है मेरा प्यारा, जो सब वर्णन का सरदारा। प्रभु जी सुनकर यह वचन, बालक को फरमान, क्या तुम्हें सब विदित है ब्राह्मण कर्म महान। ब्राह्मण वीर परम हुए, द्रोण व परशुराम। सर्व जगत को विदित है यह इतिहास पुराण। प्रभु की सुनकर बात को बालक दीना ध्यान। देखा कोई ऊंट था चलता उसी स्थान। नीचे उसके जाय कर पकड़ा हाथ लगाए, एक झटके के साथ ही लीना ऊंट उठाए। इस कर्म को देख कर लोग हुए हैरान। छोड़ युवक ने ऊंट को पकड़े पग फिर आन। प्रभु ने प्यार किया फरमाया, हम प्रसन्न जो तुम दिखलाया। ऐसा बल ना हम कहीं पाए, पर यह राक्षस भी अपनाए। ब्राह्मण होते सात्विक धीर, होते त्यागी दानी वीर। देवो हमें तुम कुछ प्रमाण, जिससे हम जाएं दानी मान। हरि राम ने उत्तर दीना, सर से बढ़कर दान न चीना। मैं हूँ सर देने को त्यार, इसको बेशक करो स्वीकार। हाँ हम इसको लेना चाहें, पुत्र में झट प्रभु फरमाहे। सुनकर हरि राम था चौंका, भक्तों ने था दम को रोका। प्रभु का उत्तर श्रवण करी भक्त भये हैरान। क्या ये सचमुच कहते हैं लेने को सिरदान। इसके सिर को क्या करें, योगी ये महान। गांवों का है भूषण, बालक परम सुजान। प्रभु के मन कुछ और था, क्या समझें ये लोग। बिन सर दिए ना मिलत है दिव्य लोक का भोग। नाथ अवश्य सर तुम ले ले वो, मोहलत मुझको कुछ दे दे वो। एक दिवस मैं घर जा पाऊं,
सारे घर के काम चुकाऊं, इसी काल कल में आ जाऊं, अपने सर को चरण चढ़ाऊं। अब तो तुम हो इसके मालक, मोड़ू वचन ना मैं जग पालक, मैंने वचन जो है दे डारा, प्राणों से प्रण मुझे प्यारा, बदले में मैं कुछ ना चाहूं, बस खुशी से वचन निभाऊं, करके प्रभु को फिर प्रणाम, चला गया घर वह हरि राम। आकर उसने लोग बुलाए, सब मिल जिमीदार को लाए, पंचायत मिलके बैठी, की ना सबन विचार, बुलाया जिमीदार को, पाले सद आचार। जिमीदार ने मत को माना, सन्मुख पंच लिखा परवाना, अब मैं दुष्कर मन को त्यागूं, जनहित कर मन में लागूं। सुनकर उसकी ऐसी वाणी, पंचायत को हुई हैरानी, पर जहां प्रभु करें निज आसन, रहना पाए पाप का शासन। प्रभु की थी सारी प्रभुताई, हरि राम की क्या मनुसाई, जिसको प्रभु निमित्त बनावें, अहो भाग्य हम उसके पावें। जिमि अर्जुन को किया निमित्ता, पवन सुत के आ बैठे चित्ता, तिमि प्रकटी हरि राम में शक्ति, और लोकोत्तर देखें भक्ति। प्रशंसा कीनी सबन ने, हर्षित जिमीदार, प्रकटाया हरि राम ने फिर अपना विचार। मुझे मिले अब गुरु के चरणा, मैंने वास वहीं है करना, गाँव में मेरा जो घर बार, मेरा उससे ना सरोकार, गौ ब्राह्मण हित उसे लगाए, आज्ञा पा लगूं गुरु पाए। सुन के उसके शुभ विचारा, सबने वह वह कह पुकारा, जिमीदार के मन गलानी, जिमीदार के मन गलानी, पूर्ण वैर भाव की हानि, भक्ति भाव सब में था छाया, जयकारा गुरुदेव बुलाया, हरि राम ने आज्ञा चाही, विसर्जित पंचायत हो पाही, विलंब ना हरि राम ने लाया, खड़ग उठाई प्रभु ढिंग आया, धर कर चरणों में खड़ग, कीना उस प्रणाम, गुरुदेव स्वीकार हो मेरा सर सुख धाम।
मेरा क्यों यह आपका, करें इसे स्वीकार। खड्ग के एक प्रहार से कर दें भव से पार। कहें प्रभु तू वचन निभाया, धन्य वह जननी जिस तू जाया। तेरा सर है हमें स्वीकार, लेंगे इसको अन्य प्रकार। आओ चले नदी के तीरा, सर लेवे बहकाया नीरा। गुप्त रहे यह सारी बात, प्रस्थान करें हम फिर तत्काल। हरी राम ने आज्ञा मानी, नदी पर चला प्रभु सन्मानी। नदी में लेट गया वह वीर, रखा उसने अपना सर तीर। पकड़ी खड्ग प्रभु ने हाथा, उसे घुमाया वेग के साथा। धुनी हुई जो अति गंभीर, मानो नब ने मानी पीर। श्वास देवों का रुका, क्षण में क्या हो जाए। निराकार भगवान की लीला समझ न आए। खड़ग नीर में फेंक कर बालक लिया उठाए। निज हृदय से लगाय कर दीना सिद्ध बनाए। निराकार ब्रह्म अवतारा, कर स्पर्श दे शक्ति अपारा। हरि राम बालक ग्रामीण, कर दिया सिद्धों में प्रवीण। दिवलोक में उसे पहुंचाया, भय जगत का बोध मिटाया। सर तो था ना उसका काटा, उसका पाप ताप ही नाटा। अपना प्रभु ने अंग बनाया, अहम भाव उसका मिट पाया। प्रभु सागर उसका मन मीन, इस विद सुध भई सारी लीन। प्रभु ने उसको पीठ उठाया, मंदिर में स्वयं पहुंचाया। 8 दिवस समाधि में लीना, आकर जनता दर्शन कीना। जनता वहीं पर आकर प्रभु से करे सवाल। स्वामी ने हमें बताइए हरि राम का हाल। इतने दिन से है पड़ा बिन भोजन वापान, अब यह कब उठ पाएगा, करिए आप बखान। भक्तों को प्रभु करें बखाना, हरि राम का उच्च ध्याना। पाई इसने प्रीति अगाध, जैसे ध्रुव अथवा प्रहलाद। खान पान बिन यह रह जाए, अमृत दान भीतर ही पाए। करता देवों के यह दर्शन,
हो ना उनसे बिछुड़न एक क्षण। आशीर्वाद इसे दे पावे इसकी उपमा प्रकट सुनावे। गुरु भक्ति में तन मन वारे सकल देव उनको सत्कारे। स्वर्ग लोक में यह जा पाए इंद्र इसको गले लगाए। रुद्र लोक में इसका जाना शिव व गौरी करें सन्माना। वैकुंठ लोक में जाय कर चतुर्भुजी हो जाए। दिव्य अलौकिक तेज में आत्म रूप लखाए। सुनकर प्रभु की वार्ता जयकारा बोलाए। जनता प्रभु पग पड़त थी भक्ति वर्णि न जाए। याचना भक्तन ने मिल कीनी नाथ अलौकिक शक्ति चीनी। ऐसी घटना सुनी ना देखी जैसी हमने अब है पेखी। हमको अपने दास पहचानो निज चरणों के सेवक जानो। दान हमें भक्ति का दीजो ऐसा अनुग्रह हम पर कीजो। हम भी ध्यान दर्शन कर पावें मन के अपने भ्रम मिटावें। विनती एक और कर पावें हरि राम को शीघ्र उठावें। कीने दिव जो इसने दर्शन सुनना चाहे उसका वर्णन। समाधि स्थित जो इसका रूपा मन मोहक है देव स्वरूपा। हम सब की यह कामना सुने आप भगवान। हरि राम जागृत बने मांगे हम यह दान। अंतर्यामी नाथ ने माने उनकी बात। माथे ऊपर हाथ धर की ना शक्ति पात। पलकों में कंपन भया फिर दिखा चमकार। आंखें उसकी खुल गई नभ में जय जयकार। तब सभी ने फूल बरसाए प्रभु चरणों पर माथ झुकाए। हरि राम था बिट बिट देखे अपने सन्मुख यह क्या पेखे। कहां से कहां उतर कर आया प्रभु चरणों पर शीश झुकाया। प्रभु ना मुझसे दान यह छीनो उसी जगह अब रहने दीनो। है देवों का जो आवासा जहां निरंतर सुख का वासा। बिन धूम के वहां होताशा कोटि सूरज का प्रकाशा। आपके चरणों से गंग धारा
बहती देखी जगदा धारा, उसके कण मात्र का पान, कर दे पापी देव समान, मज्जन उसमें कर रहे, देवों के भी देव यशोगान है कर रहे, सदगुरु का अधिदेव ऐसे उत्तम लोक से क्यों नीचे हैं लाए, क्या मेरा अपराध है पाई जो सजाए, सुनकर उसकी आत पुकार, दीना फिर समाधि में डार, भक्तों को प्रभु तब समझाया, देव लोक हरि राम बस पाया, इसको अभी यहाँ न लाए, सुख में कोई ना बाधा पाए, अब तो साक्षात यह देवा फल पाएगा करे जो सेवा, प्रभु की बात सबन ने मानी, सेवा करने की उनठानी, कोई उसको पंखा करता, पगरज कोई माथे धरता, कोई पुष्प थाला चढ़ावे, भू पर कोई माथ टिकावे, कोई फल प्रसाद ले आते, आशीर्वाद को पाके जाते, तांता लोगों का लगा समाधि का प्रचार, गांव गांव में था भया प्रभु का जय जयकार, बहुत समय वहां बीता देखा, प्रभु ने मन में किया उल्लेखा, अभी तो बहुत काम है करना, गुरु खोज में दूर विचरना, अब चलने की करें तैयारी, एक जगह पर ना हो भारी, इतनी मंडली का जो वासा, ग्राम जनों पर बोझ बड़ा सा, समाधि से हरि राम उठाया, चलने का विचार बताया, उसको रहने का कह पाए, सुनकर हरि राम विकलाए, नाथ बिछोड़े की क्यों मानू, सर तेरा ना अपना जानू, देकर लेना दान ना सीखा, तुमने मेरी कीनी परीखा, सर को अपने साथ ही रख लो मेरे नाथ, सालम अथवा काट कर जिस विध भय सनाथ, रखिए अपने पास ही जहां जाओ सरकार, तेरी ही यह वस्तु है मेरा ना अधिकार, सत्य बात उसकी सुन पाई, प्रभु ने आज्ञा प्रकट सुनाई, उठो चलने की करो तैयारी,
चलें शीघ्र यह मति हमारी। आज्ञा प्रभु की पाहर शाया, हुआ सचेत विलंब न लाया। क्षण एक पूर्व अचेत पड़ा था, अब यही सचेत खड़ा था। प्रभु महिमा को लख पाए, जिसको जैसे चाहे न चाहे। योग साधना के योगेश्वर, योगी जनों के हैं योगीश्वर। जड़ चेतन के वे हैं स्वामी, करें जो चाहें अंतर्यामी। हरि राम को शिक्षा दीनी, ब्रह्मचर्य की दीक्षा दीनी। नामकरण उसका किया, रखा नया तब नाम। हरिहरानंद हो गया, पहले जो हरि राम। हरि वा हर के जो हैं स्वामी, दीन बंधु प्रभु अंतर्यामी। आनंद उन्हीं से उसने पाया, हरि हरानंद नाम रखाया। समाचार जनता ने पाया, आकर डेरा वहां पर लाया। जिस विध प्रभु वहां रुक पाए, अपना अपना जोर लगाए। चरण पकड़ था एक कह पाता, दूजा आंसू खूब बहाता। प्रभु ने सबको तब समझाया, आत्मज्ञान रहस्य बताया। माया फिर थी उन पर पाई, खुशी खुशी उन दीन विदाई। प्रभु का जयकार बुलाया, वहां से चले विलंब न लाया। आगे आगे प्रभु चले, पीछे हरि हरानंद। सब जन उसके बाद में सिमरन परमानंद। सर पर दिन का ताप था, नीचे मार्ग कठोर। जगत नियंता चल रहे, गुरु मिले किस ठोर। श्रमित प्रभु को देख कर, शीतल बहे समीर। प्रभु की सेवा में लगे, त्याग नदी का तीर। बदली छाया करत थी, अंग संग लगी जाए। वृक्ष जिस नीचे गुजरते, फूल पात बरसाए। जगदाधार हैं आ रहे, सबके मन था चाव। जड़ चेतन थे देखते, उनका परम प्रभाव। जिधर निहारे प्रेम से, करके दृष्टि पात। उस जा परमानंद का, अनुभव हो साक्षात। जिस भी तरु के तर में, बैठ करें विश्राम।
तुरी अवस्था में भये पादर्शन सुख धाम। संशय इसमें ना करें जड़ का लागे ध्यान। जड़ चेतन का भेद तो अनात्म तक सीमान। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय। शरणम।